हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि भारद्वाज फ्रॉम रवि हेयर एंड स्किन स्टूडियो से। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मॉइस्चराइज़र। घर पे हम ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र कैसे बनाएं? दोस्तों, मॉइस्चराइज़र लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बिकॉज ये पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, स्किन का जो बैलेंस है उसको बनाए रखता है, जो ड्राई स्किन होती है उसको रिपेयर करता है और न्यू सेल को जनरेट करता है। दोस्तों, हमारी स्किन पे रिंकल नहीं पड़ते, फाइन लाइन नहीं पड़ती और हमारी स्किन शाइनी एंड ग्लोसी बनी रहती है। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे रेडी करते हैं। दोस्तों, ये मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच हमने डालना है कोकोनट ऑयल, या आप ओलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। दोस्तों, 2 से 3 ड्रॉप आपने डालना है विनेगर। इसके अंदर फ्रेग्रेंस के लिए हमने डालना है अरोमा ऑयल, लाइक आप लेवेंडर ऑयल ले सकते हैं अरोमा का। दोस्तों, 1 कैप्सूल आपने डालना है विटामिन ई ऑयल का इसके अंदर। दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स हो चुका है और हमारा ये मॉइस्चराइज़र रेडी है। दोस्तों, ये ड्राई स्किन के लिए वरदान है, इससे ड्राई स्किन में नरिशमेंट आएगी। बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है तो मैं अपने हैंड पे लगाऊंगा। ये देखिए, स्किन कितनी रफ है, ड्राई है। तो ये मैंने अपने हैंड पे अप्लाई किया इसको। इसको आप पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, फेस पे तो लगाना ही है, बिकॉज इसके अंदर जो जो पड़ा है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये अच्छी तरह स्किन के अंदर समा चुका है और बिल्कुल स्किन नरिशमेंट हो चुकी है, शाइनी हो चुकी है। दोस्तों, ये मैंने अपनी स्किन पे भी लगाया है। दोस्तों, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, बिकॉज ये आपको यंग बनाए रखने में मददगार होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। पर दोस्तों, जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।